नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा वीर सैनिक जिसने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे ओजस्वी नारों से नेताजी ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई। नेताजी का एक ही उद्देश्य था, एक ही मिशन था, भारत की आजादी, मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना। यही उनकी विचारधारा थी और यही उनका कर्म क्षेत्र था। अपने लक्ष्य के प्रति जिस व्यक्ति का इतना साफ विजन था, लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए निकल गया, जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए समर्पित हो, ऐसे व्यक्ति को याद करने भर से ही पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित हो जाती है। आज मैं नमन करता हूं उन माता पिता को जिन्होंने नेताजी जैसा सपूत इस देश को दिया। आज मुझे प्रसन्नता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के मार्ग पर चलते हुए हम सभी नेताजी की भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कौन नहीं जानता हमारे नेताजी को। मां भारती अपने इस सपूत की ऋणी हैं, जिसने अपना सब कुछ इसलिए लुटा दिया ताकि हम भारतीय, हमारी संतानें और हमारी पीढ़ियां आने वाले दिनों में चैन से आज़ादी की सांस ले सके। वो नेताजी जो अंग्रेजों के खिलाफ दुनिया भर में सबसे खूनी लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देशभक्ति की वो लकीर खींच दी जो आने वाले पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का सूत्र बनकर रह गया। मैं बताता जाऊंगा और वक्त कम पड़ता जाएगा। दरअसल मैं जो कह रहा हूँ वो कुछ भी नया नहीं है, लेकिन नेताजी को लेकर बहुत कुछ नया होने जा रहा है प्रधानमंत्री के अगुवाई में। सवाल यह है कि नेताजी को लेकर नया क्या हो रहा है और नया कौन कर रहा है। दरअसल इसे देश का दुर्भाग्य कहिए कि हमने अपनी विरासत को साझा रखने में कहीं ना कहीं चूक की, और इस चूक की कीमत हमारे उन वीर सपूतों को, उनके चाहने वालों को चुकानी पड़ी, जिन्हें सम्मान के तराजू पर वो वजन नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को नकारना भारत के इतिहास के साथ गद्दारी है, भारत के इतिहास के साथ धोखा है, और इतिहासकारों को भी और इतिहास की अदालत को भी फिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इतिहास का मूल्यांकन करना चाहिए। और पूरे विश्व को, अगर पूरे विश्व में मानवता का, शांति का पाठ पढ़ाना है, तो सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को जरूर पढ़ना चाहिए कि उन्होंने अपने अधिकारों की वकालत की। और वो सिर्फ भारत की आज़ादी के मसीहा नहीं है, वो एशियाई मुल्कों की आज़ादी के मसीहा हैं। और सुभाष का इतिहास पढ़ाया जाता तो आज हमारे देश में इतनी दुर्व्यवस्था नहीं होती। कई वीर सपूतों के सम्मान में चूक हुई, इसे आज इतिहासकारों का बड़ा वर्ग मानता है। वजह क्या थी, क्यों थी, ये वक्त उस पर विवेचना करने का कम और खोए सम्मान की ससम्मान वापसी के जश्न का ज्यादा है। ऐसे ही जश्न को समेटकर सेलिब्रेट करने खुद दिल्ली से चलकर प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता आ रहे हैं। नेताजी की जयंती की 125वीं वर्षगांठ मनाने आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का नेताजी के सम्मान में क्या क्या कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री दोपहर 3:30 बजे कोलकाता पहुंचेंगे, नेशनल लाइब्रेरी जाएंगे, वहां सुभाष बाबू से संबंधित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। उसके बाद आर्टिस्ट कैंप में शामिल होंगे। नेशनल लाइब्रेरी में ही 4000 मीटर के कैनवस पर
सुभाष बाबू की याद में एक पेंटिंग बनाई जा रही है। देखिए उसे किस तरह बनाया जा रहा है। वहां से प्रधानमंत्री विक्टोरिया मेमोरियल जाएंगे, आगे कल्चरल परफॉर्मेंस होना है। इस समारोह में पीएम मौजूद रहेंगे, फिर नेताजी को लेकर वो देश के सामने अपने विचार रखेंगे। उस सपूत की बात होगी जो राष्ट्र और राष्ट्र नीति के अंतहीन प्रेरणा है, जिन्हें भारत के भाग्य पर रत्ती भर कंफ्यूजन नहीं था। जरा सुनिए। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग है जागा, शुभ सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग है जागा, सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुभागा। 17 अगस्त 1945 को नेताजी ने भारतीयों से कहा था कि भारत के भाग्य में अपना विश्वास कभी ना खोएं। आज ही के दिन नेताजी यहाँ आए थे, उनका स्मरण करते हुए अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, सभी अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू कीजिए और एक साथ सबके मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू कीजिए और नेताजी को सम्मान दीजिए। हरेक के मोबाइल के सिर पर सिर्फ टोपी नहीं, दिल से निकली आवाज है, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। नेताजी तो जिंदाबाद थे ही, अब हर तरफ उनके जिंदाबाद का शंखनाद है। सुभाष बाबू जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद। जब आजादी के नायकों की बात आती है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम हमें गौरव से भर देता है, नई ऊर्जा से भर देता है। देश की आजादी में नेताजी के योगदान को लेकर देश में लंबे समय से बहस होती रही। विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई या नहीं हुई, गुमनामी बाबा बनकर क्या वो सचमुच हमारे बीच रहे, इन सब को लेकर बहस चली। नेताजी के नहीं रहने पर ये सब एक मिस्ट्री की तरह दशकों तक हिंदुस्तानियों के दिलो दिमाग पर छाया रहा। लेकिन एक टीस सी जरूर थी और वो पूरे देश के दिल में थी कि नेताजी जितने सम्मान के हकदार थे वो कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिला। वजह चाहे जो हो, ये सुभाष बाबू के परिवार को भी पता था और उनके चाहने वालों को भी। लेकिन देर से ही सही, मोदी सरकार ने जख्म पर मरहम लगाने का भरसक प्रयास जरूर किया। तस्वीरें देखिए, ये अक्टूबर 2015 की है जब नेताजी के परिवार के 50 लोग प्रधानमंत्री आवास में सम्मान के साथ बैठाए गए और खुद प्रधानमंत्री चलकर उनके पास आए। प्रधानमंत्री सिर्फ आए ही नहीं बल्कि उन्होंने सालों पुरानी वो मांग भी मान ली जिसमें नेताजी से जुड़ी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को सार्वजनिक किया जाना था। कल का 23 जनवरी पराक्रम दिवस के तौर पर अब से जाना जाएगा। आपके फैमिली की तरफ से क्या प्रतिक्रिया? आपसे तो प्राइम मिनिस्टर का बहुत अच्छा संपर्क है। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी आ रहे कलकत्ता। परिवार की पक्ष से हम चिट्ठी दिया था प्रधानमंत्री जी को, ये 23 जनवरी नेताजी का 125वां जन्मदिन मनाया जाएगा, तो आप कलकत्ता आइए, परिवार के साथ हम लोग ये दिन मनाया जाए। तो बहुत खुशी की बात है, ये जो हम लोग अनुरोध किया था, प्रधानमंत्री इनको ग्रहण किया, मान लिया और वो आ रहे। देखिए, प्रधानमंत्री ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर है जो कलकत्ता आ रहे नेताजी का जन्मदिन के बारे में। पहला प्रधानमंत्री था लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने आया था 1965 में दिसंबर में। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने अपने नेताजी की विरासत को समेटने, सम्मान दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, ये बात नेताजी का परिवार भी मानता है और शायद इसे लेकर लोगों में भी एकमत है। अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही समय में मोदी ने लाल किले में नेताजी म्यूजियम का शिलान्यास किया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। तब पीएम मोदी ने नेताजी के सपने और आजाद हिंद सरकार को लेकर क्या कहा था,
आइए वो सुनाते हैं। मैं देशवासियों को आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अपने लक्ष्य के प्रति जिस व्यक्ति का इतना साफ विजन था, लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए निकल गया हो, जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए समर्पित हो, ऐसे व्यक्ति को याद करने भर से ही पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित हो जाती है। सुभाष बाबू के सपने में लाल किला था, आजाद मुल्क में लाल किले पर फहराता तिरंगा था, और 75 साल बाद उस सपने को एक प्रधानमंत्री जी रहा था। खबर तो ये भी है कि मोदी की व्यक्तिगत पहल पर लाल किले के सुभाष म्यूजियम में सुभाष बाबू को लेकर हर वो चीज रखी गई जिसे देखकर राष्ट्र ये समझ पाए कि नेताजी का योगदान आजादी की लड़ाई में किसी भी दूसरे नायक से कम नहीं था। तरीका भले अलग हो, भाई और बहनों, सुभाष बाबू उन सेनानियों में रहे जिन्होंने समय के साथ खुद को बदला और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने कदम उठाए। यही कारण है कि पहले उन्होंने महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस में रहकर देश में ही प्रयास किए, और फिर हालात के मुताबिक उन्हें सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। नेताजी से मोदी का हमेशा भावुक लगाव रहा। उन्होंने नेताजी को जिया, जिंदगी जीने, राष्ट्रभक्ति में नेताजी से सीख ली, ऐसा खुद मोदी मंच से कहते रहे हैं। उन्होंने नेताजी की मां को सुभाष बाबू की तरफ से लिखी चिट्ठी की बात की। पहले ये देखिए कि नेताजी ने इस चिट्ठी में क्या लिखा। हमारा देश और दिनों दिन गिरता जाएगा, क्या इस दुखिया भारत माता का एक भी पुत्र नहीं है जो पूरी तरह अपने स्वार्थ को तिलांजलि देकर अपना संपूर्ण जीवन भारत माँ की सेवा में समर्पित कर दे। कोई हर्ज नहीं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक है। आज बंगाली नहीं बल्कि पूरा देश खुशी से गदगद है। नेताजी चर्चे पर तो हैं, नेताजी के तमाम कामों को समेटना और उन्हें अपने पास रखने की कोशिश तो की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेनगुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।